आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 रक्षा सामानों के आयात पर लगाई रोक। उधर कांग्रेस ने आयात शब्द पर प्रतिबंध को बताया शब्द जाल। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की छठी किश्त की जारी, देश में कृषि सुविधाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड भी किया लॉन्च। सीएम गहलोत ने पत्र लिखकर सभी विधायकों से की भावुक अपील, क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझें विधायक। 11 अगस्त को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले हमें हमारे विधायकों का मनोबल बनाए रखना है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, मरीजों की कुल संख्या हुई 21,50,000 पार, राजस्थान में आज आए 596 मामले। रक्षा मंत्रालय ने अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मंत्रालय ने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है जिसके आयात पर रोक लगेगी। इस लिस्ट में सामान्य पार्ट्स के अलावा कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव आर्म्स लिस्ट भी तैयार हुई है। इसके तहत कुछ वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर निशाना साधा। चिदम्बरम ने लिखा, रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाका करने का वादा किया था लेकिन उनकी घोषणा उम्मीद के परे निकली। रक्षा उपकरणों का एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है, आयात पर कोई भी प्रतिबंध वास्तव में स्वयं पर प्रतिबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किश्त जारी की। 8.55 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की भी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने छुट्टी होने के बावजूद रविवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज हल षष्ठी है, आज भगवान बलराम का जन्मदिन है, किसान बलराम जी की पूजा करते हैं। मैं सभी देशवासियों विशेषकर किसानों को हल छठ की शुभकामना देता हूँ। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है। इसे गांव-गांव में भंडारण और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार पैदा होगा। कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है, आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते, आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अभी तक कोरोना जांच नहीं हुई है और वो अभी भी कोरोना पॉजिटिव ही हैं। अभी भी अमित शाह पूरी तरह सही नहीं हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मंत्रालय ने ट्वीट कर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के उस ट्वीट का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह कोरोना से ठीक हो गए हैं। दरअसल मनोज तिवारी ने रविवार सुबह ट्वीट कर गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दी थी। तिवारी ने ट्वीट कर कहा, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं गृह मंत्रालय की एक अधिकारी ने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए ट्वीट किया कि अब तक गृह मंत्री अमित शाह की कोविड-19 जांच नहीं की गई है। इसके बाद मनोज तिवारी ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। राजस्थान में विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। ऐसे में 14 अगस्त को जब विधानसभा सत्र होगा तो बहुमत परीक्षण भी कराया जा सकता है। ऐसे में सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखकर उनसे सच्चाई का साथ देने और लोकतंत्र बचाने की अपील की है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और जनता का फैसला ही शिरोधार्य होता है।
यही हमारी परंपरा रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि वर्तमान में जो सियासी संकट चल रहा है उसे लेकर षड्यंत्र रचने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है। सीएम गहलोत सभी विधायकों से अपील की है कि जनता का विश्वास बरकरार रखने और गलत परंपराओं से बचने के लिए उन्हें आम लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारजनों और अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझकर वे ये सुनिश्चित करें कि चुनी हुई सरकार अपना काम करती रहे और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना हो सके। विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। उनके अंतरात्मा क्या कहती है मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ सुनो फिर फैसला करो। देखिए उनका बीजेपी का तो वो क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि बीजेपी के लोग देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इस देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान के जोधपुर में आज पाकिस्तान से आए 11 शरणार्थियों के शव उन्हीं के घर में मिले। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, साथ ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मामला डेचू थाना क्षेत्र स्थित लोड़ता गांव का है। कहा जा रहा है कि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जहरीली गैस या जहर खुरानी से मौत की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड 19 की जांच के लिए एंटीजन आधारित रैपिड टेस्ट की बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट पर ही भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की जिंदगी और मौत के सवाल पर सस्ते एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि विशेषज्ञों ने इस किट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने शनिवार को राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बड़े स्तर पर अपनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन के रूप में अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस महामारी से लोगों का जीवन बचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को थीम बनाकर उपयोग में लिया जा सकता है। आज आदिवासी दिवस है, इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासियों के लिए एक तोहफा देते हुए आज के दिन को अवकाश के रूप में स्वीकृत किया है। आज जैसलमेर जिले में मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार यहाँ के आदिवासी समुदाय के चौमुखी विकास के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू के ज़माने से ही कांग्रेस की सरकारों का आदिवासियों के प्रति विशेष लगाव रहा है, इसलिए उनकी सरकार ने भी पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों के विकास से जुड़ा उनका एक सपना अभी भी अधूरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब वे चाहते थे कि रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा ब्रॉडगेज बने, जिसके लिए केंद्र राज्य सहभागिता प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने 1200 करोड़ की हिस्सेदारी तय की, 200 करोड़ रुपए दे भी दिए गए, रेलवे लाइन के लिए जमीन लेना, सर्वे करवाना जैसे काम भी हो गए, लेकिन केंद्र में सरकार बदलने से ये ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। भाजपा इन दिनों अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने में बड़ी व्यस्त है। कुछ विधायकों को गुजरात भेजा भी जा चुका है, हालांकि भाजपा इसे बाड़ाबंदी कहे जाने से आपत्ति जता रही है। उनका कहना है कि ये बाड़ाबंदी नहीं है बल्कि हम केवल सतर्कता बरत रहे हैं। 11 अगस्त को भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी, कहा जा रहा है कि ये बैठक गुजरात के किसी होटल में होगी। वहीं विधायकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमें अपने विधायकों का मनोबल बनाए रखना है, उनकी फिक्र करनी है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें किसी एजेंसी की आवश्यकता है। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हर पल कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21,53,011 पर पहुंच गया है। इसमें 6,28,747 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,80,885 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आज कोरोना के 596 मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 71, सीकर में 57, राजसमंद में 46, अजमेर में 43, बाड़मेर में 42, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 39, नागौर में 34,
बीकानेर में 29, उदयपुर में 28, अलवर में 26, सवाई माधोपुर में 25, गंगानगर और बारा में 23, सिरोही में 18, करौली में 16 मरीज सामने आए हैं। वहीं आज 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इसके बाद प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 784 हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।